अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मैटर यूट्यूब चैनल और आज हम आपको लेके हैं DHA फेस 6 लाहौर के अंदर, जहां पर हम विजिट करेंगे एक नाल ब्रांड न्यू इटालियन मेंशन का टूर, जिसके अंदर 6 बेडरूम 7 बाथ सेपरेट फ्लोर के ऊपर आपको जो है वो टीवी लॉन्च मिलेगा, सिनेमा रूम, ड्राइंग और डाइनिंग की जो है वो प्रॉपर स्पेस दी गई है, किचन आपको सारे फ्लोर्स के ऊपर जो है वो सेपरेट मिलेगा, सेपरेट जो है वो सर्वेंट क्वार्टर आपको बैक साइड पे मिलेगा, टोटल कंस्ट्रक्टेड कवर्ड एरिया 7700 स्क्वायर फीट और 50x90 के स्टैंडर्ड डायमेंशन के ऊपर जो है वो घर कंस्ट्रक्ट हुआ है। सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो कम्प्लीटली आपको डेवलप स्ट्रीट मिलेगी, 60 फीट वाइड कारपेटेड रोड के ऊपर ये घर लोकेटेड है और कंप्लीट इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो है वो डिटेल वीडियो के अंदर इंक्लूड है, इसलिए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अगर हम आउटर कोर्टयार्ड से, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है वो लश ग्रीन आपको गार्डन एरिया मिलेगा, सराउंडिंग के अंदर अगेन जो है वो आपको प्लांटर मिलेंगे और बैक साइड के ऊपर जो बाउंड्री वॉल है वो कम्प्लीटली जो है वो टाइल के साथ कवर्ड की गई है। और उसके बाद चलते हैं एलिवेशन की तरफ, तो आप इसमें कम्प्लीट एलिवेशन के ऊपर जो है वो आपको पोर्शन ऐसा जो है वो टाइल का यूज़ मिलेगा, जहाँ पर प्रॉपर जो है वो स्पॉटलाइट का यूज़ किया गया है, लेफ्ट और राइट में कम्प्लीटली जो है वो आपको डार्क थीम मिलेगा, मिड के अंदर आप देख सकते हैं लाइट कलर का जो है वो यूज़ किया गया है, रैंप के ऊपर कम्प्लीटली आपको 2x4 की टाइल का यूज़ मिलेगा लाइट ग्रे कलर के अंदर विदाउट स्लाइडिंग गेट, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको 8 CCTV कैमरे ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फेंस और स्मोक डिटेक्टर की जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉलेशन की गई है। तो डोर सेंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर कार गैराज की स्पेस मिलेगी, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप 4-5 कार की पार्किंग स्पेस दे सकते हैं। अगेन फ्लोर के ऊपर आपको टर्किश टाइल का यूज़ मिलेगा, सेप्टिक टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक की स्टोरेज जो है वो आपको फ्रंट के ऊपर ही मिलेगी। कार गैराज की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फ्रंट के ऊपर अगेन आपको पोर्सनासा टाइल मिलेगी, राइट साइड के ऊपर आपको इसकी फीचर्ड वॉल मिलेगी, जहाँ पर प्रॉपर आप देख सकते हैं स्पॉट लाइट्स का यूज़ किया गया है और मिड के अंदर आपको ब्राउन कलर की जो है वो टाइल मिलेगी। एक कॉर्नर के ऊपर अगेन जो है वो प्लांटर यहाँ पर दिए गए हैं और बैक साइड के ऊपर अगेन आपको जो है वो सिंथेटिक ग्रास मिलेगा। इनर कोर्टयार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको प्रॉपर जो है वो सिटिंग स्पेस मिलेगी और सराउंडिंग के अंदर जो है वो आपको प्लांटर मिलेंगे। एज पर DHA बायलास दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो आपको 5 feet की वाइड पैसेज मिलेगा, आप ये आउटर कोर्ट इनर कोर्टयार्ड से जो है वो कंप्लीट एलिवेशन का व्यू देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ, तो एंट्रेंस के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आपको एम्प्राडोर ग्रेनाइट का यूज़ मिलेगा, जो कि कंप्लीट एक पीस के अंदर आपको मिल रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर अगेन आपको जो है वो लाइट ग्रे कलर के अंदर इम्पोर्टेड जो है वो इटालियन टाइल्स मिलेंगी, 10 feet हाइटेड डोर के साथ आपको इसकी मेन एक्सेस मिलेगी, जो कि कम्प्लीटली एशवुड के साथ तैयार किया गया है और ब्रास का जो है वो आपको डोर हैंडल मिलेंगे। घर में एंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर ट्रिपल हाइटेड जो है वो लॉबी का व्यू मिलेगा और कम्प्लीटली जो है वो आपको लाइट थीम के अंदर इसका फ्लोर प्लान और जो है वॉलपेपर्स आपको मिलेंगे। कम्प्लीट फ्लोर के ऊपर आप देख सकते हैं इम्पोर्टेड जो है वो टर्किश टाइल का यूज़ किया गया है, जिसका साइज 3x6 है। फ्लोर प्लान की अगर हम बात करें तो राइट साइड के ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस, बेसमेंट की एक्सेस और पाउडर रूम मिलेगा और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ड्राइंग डाइनिंग की एक्सेस और फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं टीवी लॉन्च और मेन रूम की जो है वो आपको एक्सेस मिलेगी। मेन लॉबी की अगर हम सीलिंग के डिज़ाइन की बात करें तो बिल्कुल आपको कम्प्लीटली जो है वो वुडन में इसकी सीलिंग मिलेगी, मिड के अंदर आपको स्पॉट लाइट्स मिलेंगे और उसके बाद हम चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ, तो 9 feet हाइटेड आपको डोर की एक्सेस मिलेगी और डोर के अंदर आपको अगेन वुड और टेम्पर्ड ग्लास का जो है वो यूज़ मिलेगा। ड्राइंग रूम में एंटर होते ही साथ आप ये देख सकते हैं फ्रंट के ऊपर आपको फायरप्लेस और कम्प्लीटली जो है वो टाइल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर अगेन रिपोर्टो क्वाली की जो है वो टाइल मिलेगी, फ्रंट के ऊपर नोवा पेंट का यूज़ मिलेगा और फ्लोरिंग जो है वो कम्प्लीटली आपको वुडन फ्लोर मिलेगा। अप्लाइंसेस जो है वो आपको ग्रीक के इन्वर्टर्स मिलेंगे, उसके बाद आपको फ्लोर टू सीलिंग की हाइट में टेम्पर्ड ग्लास और डबल ग्लेज जो है वो एल्यूमिनियम मिलेगा,
दोनों साइड्स के ऊपर आपको लेफ्ट राइट सीलिंग फैन और मिड में जो है वो शैंडलियर की स्पेस मिलेगी। सीलिंग की अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो आपको इसका 80% जो पोर्शन है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलेगा। रिमेनिंग के ऊपर आप देख सकते हैं आपको वुड और एक्रेलिक शीट का जो है वो यूज़ मिलेगा। ड्राइंग रूम के बिल्कुल जो है वो एडजेसेंट में आपको डाइनिंग की स्पेस मिलेगी और इसको जो है वो इंटरकनेक्ट किया गया है किचन के साथ। फ्लोरिंग के ऊपर अगेन यहाँ पर भी आपको सेम वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। मेन वॉल के ऊपर आपको अगेन जो है वो केले की टाइल मिलेगी और लेफ्ट राइट दोनों साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक मर्करी ग्लास का जो है वो यूज़ किया गया है। टॉप के ऊपर आपको जो है वो शैंडलियर मिलेगा और अगेन अगर इसके सीलिंग के हम डिज़ाइन की तरफ चलें तो मिड के अंदर आपको ब्लैक मर्करी ग्लास और रिमेनिंग पोर्शन के अंदर जो है वो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। कम्प्लीटली जो है वो ऑटोमेशन सिस्टम घर के अंदर इंस्टॉल किया गया है, ये आप देख सकते हैं, जिसको आप जो है वो मोबाइल के अंदर जो है वो अपनी ऐप के थ्रू कम्प्लीट हाउस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। डाइनिंग की और ड्राइंग की एक्सेस जो है वो आपको सेपरेट भी मिलेगी और किचन के अंदर से भी मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं मेन टीवी लॉन्च की तरफ। तो यहाँ से जो है वो आप ट्रिपल हाइट लॉबी का जो है वो व्यू देख सकते हैं। टीवी लॉन्च में एंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर जो है वो मीडिया वॉल मिलेगी और मीडिया वॉल के ऊपर कम्प्लीटली जो है वह आपको विरसाचे की टाइल का जो है वो यूज़ मिलेगा। बॉटम के ऊपर अगेन आपको ड्रॉर और सेकंड वॉल के अंदर आपको कैप विंडो की जो है वो आपको स्पेस मिलेगी। वॉल्स की अगर हम बात करें तो आपको रिमेनिंग वॉल के जो पोर्शन है उसमें आपको नोवा पेंट मिलेगा। उसके बाद किचन की जो एक्सेस है वो आपको टीवी लॉन्च के अंदर ही से मिलेगी। स्लाइडिंग डोर और किचन में एंटर होते ही साथ आप ये देख सकते हैं आपको लाइट थीम में जो है वो कंप्लीट किचन मिलेगा। कम्प्लीटली इटालियन जो है वो किचन डिज़ाइन किया गया है, जिसके कंप्लीट आप फ्लोर पर देख सकते हैं आपको कोरियन मिलेगा और टॉप और बॉटम के जितने भी कैबिनेट्स हैं उसमें आपको इटालियन शीट्स जो हैं वो उसके कैबिनेट्स मिलेंगे। प्रॉपर यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं डिश वॉशर अप्लाइंसेस के अंदर आपको माइक्रोवेव ओवन और रेफ्रिजरेटर जो है वो मिलेगा। कटलरी की स्टोरेज के लिए आप देख सकते हैं कंप्लीट वॉल के ऊपर आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगी। यहाँ पर जो है वो प्रॉपर स्टेनलेस स्टील के जो है वो आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगी। बैक साइड के ऊपर आपको डर्टी किचन और अगेन यहाँ पर भी आपको स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स मिलेंगे। उसके बाद डर्टी किचन की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेनाइट का यूज़ मिलेगा शेल्फ पे। टॉप और बॉटम के ऊपर अगेन आपको सेम इटालियंस जो है वो कैबिनेट्स मिलेंगे। इसके सेपरेट एक्सेस जो है वो आपको पैसेज से भी मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं रूम्स की तरफ। तो अगर हम रूम की बात करें तो आपको ग्राउंड फ्लोर के अंदर 2 बेडरूम्स मिलेंगे, मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम में एंटर होते साथ आपको इसकी जो कंप्लीट फ्लोरिंग है वो वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। फ्रंट के ऊपर जो है वो आपको पैडिंग मिलेगी जिसके अंदर आपको ब्रास का भी यूज़ मिलेगा और दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो आपको पैनल्स मिलेंगे। वॉलपेपर की अगर हम बात करें तो आपको अगेन यहाँ पर भी जो है वो इम्पोर्टेड वॉलपेपर्स का यूज़ मिलेगा। एक साइड की वॉल के ऊपर आपको अगेन विंडो मिलेगी और फ्रंट के ऊपर आप ये मीडिया वॉल देख सकते हैं जहाँ पर ऑलरेडी आपको बॉटम के ऊपर ड्रॉर और कंप्लीट वॉल के ऊपर आपको जो है वो ग्लास मिलेगा। रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम और वॉशरूम में एंटर होते ही साथ आप ये देख सकते हैं एक लग्जरी वॉशरूम जिसके अंदर कंप्लीट आपको जो है वो इसके अंदर एक्सेसरीज मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो आपको अगेन जो है वो टाइल्स आपको पोर्सलासा की मिलेगी। फ्रंट के ऊपर केले की टाइल्स, जकूजी और जो 3 स्टेप जो है वो अप करके यहाँ पर डिज़ाइन की गई है और कंप्लीट जो स्टेप्स के ऊपर है वो आपको कॉफ़ी कलर में जो है वो ग्रेनाइट मिलेगा।
सिंगल वैनिटी मिलेगी और टॉप के ऊपर आपको एलईडी और डिफॉगर ग्लास। सैनिटरी की और अगर हम फिटिंग्स की बात करें तो कंप्लीट आपको विट्रा की सैनिटरी मिलेगी। यहाँ पर वॉल हैंग कमोड और इसके बिल्कुल ऑपोजिट फ्रंट के ऊपर आपको रेन शॉवर की जो है वो स्पेस मिलेगी। टाइल्स की अगर हम कलेक्शन की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी आपको लाइट और डार्क कलर का जो है वो थीम इसको मेंटेन किया गया है। बिल्कुल डोर की बैक साइड के ऊपर आपको इसकी क्लोजेट मिलेगी और क्लोजेट के अंदर अगेन आपको स्टोरेज की स्पेस मिलेगी और यहाँ पर आपको मर्करी ग्लास और गोल्ड इटालियन प्रोफाइल जो है वो आपको मिलेगी इसकी बॉर्डर के ऊपर। तो ये था व्यूवर्स मास्टर बेडरूम का ओवरव्यू। उसके बाद हम चलते हैं स्टैंडर्ड साइज की तरफ जो कि बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। सेकंड बेडरूम की अगर हम बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड साइज के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। कंप्लीट आपको वॉल के ऊपर वॉलपेपर, विंडो का साइज जो है वो 9 फीट रखा गया है और अगेन यहाँ पर भी आपको डबल ग्लेस एलुमिनियम और टेम्पर्ड ग्लास का जो है यूज़ मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम का जो है वो कंप्लीट आपको इसमें थीम लाइट मिलेगा। सेम कलर की टाइल्स आप देख सकते हैं फ्लोर और वॉल के ऊपर डिज़ाइन की गई है जो कि आपको लाइट कलर में मिलेंगी। फ्रंट के ऊपर आपको कोरियन की वैनिटी और टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं डिफॉगर और एलईडी ग्लास। क्लोजेट की अगर हम बात करें तो आपको डोर की बैक साइड के ऊपर अगेन यहाँ पर क्लोजेट मिलेगी जहाँ स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हैं फ्लोर से लेकर रूफ तक जो है वो डिज़ाइन की गई है। तो ये था व्यूअर्स कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू जिसके अंदर आपको 2 बेडरूम, टीवी लॉन्च, ड्राइंग डाइनिंग की स्पेस और आपको जो है वो किचन की स्पेस मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ। तो आप ये बेसमेंट की एक्सेस देख सकते हैं, सेम जो है वही स्टेयर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट के साथ। राइट साइड के ऊपर आपको जो है वो ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास और वुडन के जो है वो बार मिलेंगे। तो बेसमेंट में जैसे ही एंटर होते हैं तो स्टेप्स के ऊपर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ग्रेनाइट, एम्पराडोर ग्रेनाइट का आपको यूज़ मिलेगा और यहाँ से जो है वो अगर आप इसका व्यू देखना चाहेंगे फर्स्ट फ्लोर का और ग्राउंड फ्लोर का तो आपको कंप्लीट जो है वो ट्रांसपेरेंट व्यू नज़र आएगा। वॉल के ऊपर जो है वो आपको वॉलपेपर और दूसरे एंड पे जो कंप्लीट पैच आपको नज़र आ रहा है ग्लास का, ये मर्करी ग्लास का जो है वो कंप्लीट आपको पैच नज़र आएगा। यहाँ से जो है वो आपको कंप्लीट एक ट्रिपल हाइटेड लॉबी का जो है वो व्यू मिलेगा। तो स्टेप में एंटर होते ही साथ आपको सबसे पहले जो है वो एक किचन की स्पेस मिलेगी, पेंट्री, जहाँ पर अगेन आपको प्रॉपर स्टोरेज की स्पेस, माइक्रोवेव और टॉप के ऊपर जो है वो आपको ग्लास की कैबिनेट की स्टोरेज की स्पेस मिलेगी। फ्लोर के ऊपर अगेन आपको करारा टाइल का जो है वो यूज़ मिलेगा और इसमें उसके बाद फ्रंट पे एंटर होते ही साथ आपको लिविंग एरिया और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपको सिनेमा रूम मिलेगा। तो हम अगर सिनेमा से स्टार्ट करें तो आप सिनेमा में एंटर होते ही साथ फ्रंट के ऊपर कम्प्लीटली जो है वो आपको साउंड प्रूफ शीट्स मिलेगी जहाँ पर प्रॉपर ब्रास और पैडिंग का आपको यूज़ मिलेगा। 7% के जो है वो आपको सिटिंग की स्पेस मिलेगी और अगर हम सिनेमा रूम की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 4K प्रोजेक्टर मिलेगा, 7.7 यामा का जो है वो साउंड सिस्टम, ग्री का इन्वर्टर और फ्रंट के ऊपर आप ये देख सकते हैं कंप्लीट प्रोजेक्टर का साइज। सीलिंग के अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको स्टार लाइट्स का भी यूज़ मिलेगा, स्पॉट लाइट्स और कंप्लीट जो सिनेमा का थीम है वो डार्क थीम के अंदर डिज़ाइन किया गया है। सिनेमा के बाद हम चलते हैं लिविंग एरिया की तरफ। तो इसको प्रॉपर जो है वो सेपरेशन दी गई है ग्लास के साथ और यहाँ पर एंटर होते ही साथ आपको अगेन फ्लोरिंग जो है वो वाइट टाइल में मिलेगी, वॉल के ऊपर वॉलपेपर्स और राइट साइड के ऊपर आपको जो है वो संकीर्ण एरिया मिलेगा। फ्रंट के ऊपर अगेन आपको मीडिया वॉल और सीलिंग का डिज़ाइन अगेन आपको सिंपल मिलेगा,
स्पीकर की इंस्टॉलेशन आपको कंप्लीट हाउस के अंदर मिलेगी, जो कि ब्लूटूथ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं साउंड के लिए। उसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर आपको, राइट साइड के ऊपर आपको आउटर का कोर्टयार्ड की स्पेस मिलेगी। इसके फ्रंट के ऊपर स्टोर रूम और बैक साइड के ऊपर जो है वो अगेन आपको एक एग्जेक्टिव प्रेजिडेंशियल सूट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। इसमें कम्प्लीटली आपको फ्लोर जो है वो अगेन टाइल, कंप्लीट वॉल के ऊपर जो है वो आपको नोवा पेंट मिलेगा और मीडिया वॉल जो है वो कम्प्लीटली आपको वुडन की पाइलिंग और टाइल के साथ मिलेगी। मेन अगर फीचर वॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको लेफ्ट राइट के ऊपर ग्लास और मिड के अंदर जो है वो आपको जेट ब्लैक कलर में पैडिंग मिलेगी। तो आप कंप्लीट जो है वो इसका व्यू देख सकते हैं। सीलिंग का डिज़ाइन अगेन आपको सिंपल मिलेगा, जहाँ लेफ्ट राइट दोनों साइड के ऊपर आपको ब्लैक सीलिंग फैन और मिड में आपको शैंडलियर मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं अटैच वॉशरूम के साथ की तरफ। तो वॉशरूम में एंटर होते ही साथ अगेन आपको जो है वो एक ग्रैंड वॉशरूम इस रूम के साथ मिलेगा, जहाँ पर आप राउंड जैकूजी की स्पेस देख सकते हैं और फ्लोर के ऊपर देख सकते हैं कम्प्लीटली आपको डार्क ब्राउन कलर का जो है वो फ्लोर मिलेगा, लाइट कलर की आपको इसकी वॉल्स और आपको डबल वैनिटी जो है वो इस वॉशरूम के अंदर मिलेगी, जहाँ पर प्रॉपर अगेन जो है वो आपको रेयान की वैनिटी, विट्रा की फिटिंग और बैक साइड के ऊपर आपको जो है वो वॉल हैंग कमोड मिलेगा। क्लोजेट की अगर हम बात करें तो अगेन आपको कंप्लीट वॉल के ऊपर आपको क्लोजेट की स्टोरेज मिलेगी, जिसके अंदर आपको इटालियन प्रोफाइल, मर्करी ग्लास और एंड के अंदर जो है वो आपको स्टोरेज की स्पेस मिलेगी, जो कि कम्प्लीटली सेंसर के साथ आपको लाइट ऑन और ऑफ का जो है वो इसके अंदर सेंसर मिलेगा। ये आप देखते हैं प्रॉपर जो है वो ड्रॉअर की स्पेस। तो ये था व्यूवर्स कंप्लीट बेसमेंट का ओवरव्यू। अगर हम कवर्ड एरिया की बात करें तो अराउंड 2200 स्क्वायर फीट बेसमेंट का सेपरेट कवर्ड एरिया है, 2500 स्क्वायर फीट आपको मिलेगा ग्राउंड पे और रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आपको फर्स्ट फ्लोर के अंदर मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो सेम स्टेयर जो है वो इंटरकनेक्टेड है फर्स्ट फ्लोर की तरफ और यहाँ से जो है वो आप टॉप 3 शैंडलियर का जो है वो व्यू भी देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते ही साथ आपको राइट साइड पे जो है वो पाउडर रूम मिलेगा और पाउडर रूम जो है वो एक यूनिक थीम के अंदर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं मल्टी कलर्स की आपको फ्लोर के ऊपर लाइट कलर में टाइल मिलेगी, केले का वॉल हैंग कमोड और फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं वैनिटी और टॉप पे शैंडलियर। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो जैसे ही स्टेप हम मिड में पहुंचते हैं तो आपको अगेन हर स्टेप के ऊपर इसका व्यू नज़र आएगा। फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में एंटर होते ही साथ आपको व्यू जो है वो ग्राउंड और बेसमेंट दोनों का व्यू मिलेगा। यहाँ से जो है वो आप कार पार्किंग का भी व्यू देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर का गेम। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें मास्टर बेडरूम से, जिसकी लोकेशन बिल्कुल आपको एलिवेशन वाली साइड पे मिलेगी, तो इसमें एंटर होते ही साथ आपको उसका कंप्लीट फ्लोर जो है वो वुडन मिलेगा। मेन फीचर्ड वॉल के ऊपर आपको ग्लास, वुड और पैडिंग का जो है वो कम्बिनेशन मिलेगा। वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं आपको कंप्लीट जो है वो वॉलपेपर्स मिलेंगे और बालकनी की एक्सेस भी जो है वो आपको इसी रूम से मिलेगी। ये आप इसकी एक्सेस देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अटैच्ड वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम में एंटर होते ही साथ अगेन यहाँ पर भी जो है वो आपको ग्रैंड बाथ मिलेगा, जहाँ पर आपको जैकूजी, डबल रेन शॉवर और केले की जो है वो आपको 9 फीट हाइट की टाइल मिलेगी।
और यहाँ से जो है वो आपको कंप्लीट वॉशरूम का ओवरऑल थीम मिलेगा। क्लोजेट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपको वैनिटी की अपोजिट साइड मिलेगी और डबल आपको वैनिटी फ्रंट के ऊपर, अगेन आपको डिफॉगर और एलईडी ग्लास मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड और थर्ड रूम की तरफ। आउटर कोर्टयार्ड की एक्सेस जो है वो आपको लॉबी, रूम और टीवी लॉन्च तीनों साइड से जो है वो आपको इसकी एक्सेस मिलेगी। तो टीवी लॉन्च में एंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर अगेन मीडिया वॉल, राइट साइड के ऊपर जो है वो आपको लॉन्ड्री की स्पेस मिलेगी और यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्लीट जो है फ्लोर ऑफर्ड रखा हुआ है। तो फर्स्ट फ्लोर के टीवी लॉन्च से जो है वो अगेन आप अगर रिमेनिंग पोर्शन का व्यू देखना चाहें तो इसकी एक्सेस जो है वो इजी है। उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ड्री की स्पेस की तरफ। यहाँ पर प्रॉपर वाटर टैप और इलेक्ट्रिक पॉइंट आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड और थर्ड बेडरूम की तरफ। तो सेकंड बेडरूम के अंदर अगेन आपको फ्लोरिंग जो है वो वुडन मिलेगी, फीचर्ड वॉल के ऊपर आपको पैडिंग और ब्रास का यूज़ मिलेगा और लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं आपको आउटर कोर्टयार्ड की एक्सेस मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम के अंदर अगेन आपको सिंगल वैनिटी वॉल है, कमोड और स्पेन जो है वो स्पेक्स मिलेंगे। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ और थर्ड बेडरूम के फ्रंट के ऊपर आपको एक पेंट्री मिलेगी और स्टोरेज स्पेस और उसके बाद दोनों रूम्स के मिड में आपको एक स्टोर रूम मिलेगा। उसके बाद थर्ड बेडरूम और थर्ड बेडरूम के अंदर अगेन आपको यहाँ पर पैडिंग और ब्रास का यूज़ मिलेगा, फ्लोर के ऊपर कंप्लीट टाइल और लेफ्ट साइड के ऊपर विंडो, प्लेन जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ मिलेगा आपको सीलिंग पे। रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको इसकी क्लोजेट मिलेगी और फ्रंट के ऊपर आप ये रेन शॉवर की स्पेस देख सकते हैं। तो ये था व्यूवर्स तीनों बेडरूम का व्यू जिसके अंदर आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा और यूजुअली जो टाइल्स की सिलेक्शन इस घर के अंदर की गई है वो आपको इटालियन और टर्किश में मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं आउटर कोर्टयार्ड की तरफ। जहाँ पर अगेन आप ये देख सकते हैं स्विंग चेयर और यहाँ पर प्रॉपर जो है वो आउटडोर जो है वो आपको फर्नीचर मिलेगा, प्रॉपर सिटिंग स्पेस और टॉप के ऊपर आप ये रॉट आयरन के बार देख सकते हैं जो कि एल शेप में डिज़ाइन किए गए हैं और टॉप के ऊपर आपको स्पॉटलाइट्स मिलेगी। वॉल के ऊपर आपको जो है वो ट्रेवर्टाइन और स्पेनिश टाइल मिलेगी। फ्रंट के ऊपर अगेन आप प्लांटर की जो है वो व्यू देख सकते हैं। उसके बाद फायरप्लेस और ड्रेनेज और वाटर टैप की इंस्टॉलेशन आपको इस स्पेस के अंदर भी मिलेगी। तो ये था व्यूवर्स कंप्लीट हाउस का ओवरव्यू। रिमेनिंग पोर्शन के अंदर भी आप देख सकते हैं टाइल का यूज़, जिसकी लोकेशन DHA फेज 6 लाहौर है। 7500 स्क्वायर फीट के ऊपर ये घर कंप्लीट कवर्ड किया गया है और स्टैंडर्ड साइज़ के ऊपर ये डिज़ाइन किया गया है। घर की कंप्लीट डिटेल और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर इंक्लूड है। अगर आप फर्दर किसी इन्फॉर्मेशन के इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।